बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्थ एडवेंचर यूट्यूब चैनल। वर्ल्ड कप में भारत से शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों पर बरस पड़े और धमकी आमेज लहजे में कहा कि खुदा न ख्वास्ता टीम के साथ कुछ बुरा हुआ तो मेरे साथ और भी लोगों को घर जाना पड़ेगा। एक निजी टीवी रिपोर्ट के मुताबिक सरफराज अहमद, जो बहुत कम को समझे जाते हैं, भारत से शिकस्त के बाद गुस्से में खिलाड़ियों को बहुत कुछ कह गए। उन्होंने खिलाड़ियों को सख्त वार्निंग देते हुए कहा, अगर कोई समझता है कि सिर्फ मैं घर चला जाऊंगा तो ये उसकी भूल है, मेरे साथ और भी लोगों को घर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, खराब कारकर्दगी को भूलकर आगे बढ़े और टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाए। सरफराज अहमद ड्रेसिंग रूम में बोलते रहे और लड़के नदामत से सर झुकाए खड़े रहे। इस मौके पर कौमी टीम के हेड कोच मिकी आर्थर भी मौजूद थे, ताहम वो भी खामोश रहे। सरफराज की बातों पर सीनियर खिलाड़ी भी खामोश रहे। वाजे रहे, पाकिस्तान कल वर्ल्ड कप के अहम तरीन मैच में इंडिया से बुरी तरह हार गया, जिसके बाद पूरी टीम को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तानी टीम के सारे खिलाड़ियों को घर भेज देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और मजीद इसी तरह क्रिकेट की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल अर्थ एडवेंचर को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें। दोबारा एक और ऐसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।